हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। गाइस, आज आप लोगों को थंबनेल देख के समझ आ ही गया होगा, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए कुर्ता सेट लेके आई हूँ। कुर्ता सेट मैंने ऐसे ऐड किया है कि आप कॉलेज में पहन लो, आप ऑफिस में पहन लो और आप किसी पार्टी वगैरह में अगर जाना चाहते हो वैसे कुर्ता सेट मैंने ऐड किए हैं। और ना रेंज मैंने बहुत देख के रखी है, बहुत ही मैंने अफोर्डेबल कुर्ता सेट रखने की कोशिश की है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं अपना आज का हॉल स्टार्ट। आज के हॉल का जो हमारा सबसे पहला कुर्ता सेट है वो मैंने मंगवाया है गाइस, ये वाला। ये आपको विदाउट स्लीव मिलेगा, आपको ऐसे स्ट्रैप मिल जाएंगे, स्ट्रैप बिल्कुल ओके आएंगे आपको, लेकिन ये एडजस्टेबल वगैरह नहीं है। प्रिंट्स आपको पूरे सूट के अंदर मिल जाएंगे, कलर बहुत ही प्यारा है। ये एक तरीके से आप बोलोगे अनारकली सूट है, इसका घेर बहुत ही अच्छा खासा मिल जाएगा। एक चीज गाइस मैं बोलना चाहती हूँ आपको, मैं इसका मैंने जो साइज जो ब्रांड है इसका पहली बार बता दूँ, वो अनूक है। और इसका जो मैंने ना साइज लिया था, आई थिंक मैंने ना इसका साइज एल ही लिया है। हाँ, एल साइज लिया मैंने इसका, लेकिन मेरे को ये लूज है, आप अपने एक्सल साइज के साथ ही जाना, आपको वो सही आएगा। ब्रांडेड का चीज़ों का थोड़ा सा होता है कि मैं खुले पहनती थोड़े, इसलिए मैंने अब मंगवा लिया, लेकिन एक्सल साइज के साथ ही जाना, मेरे को काफ़ी मतलब अच्छी से फिटिंग नहीं आई है क्योंकि लूज है काफ़ी। तो ये वैसे काफ़ी प्यारा है, जो इसका मटेरियल है वो प्योर कॉटन है। और इसके साथ मेरे को बॉटम रिसीव नहीं हुई है गाइस, अगर आप लोग पहनना चाहते हैं नीचे से अलग से कोई लेगिंग वगैरह चूड़ीदार वगैरह लगे पहन सकते हो, वैसे नीचे से दिखेगा कुछ नहीं क्योंकि बिल्कुल आपको ये बॉटम तक के मतलब लेंथ मिल जाएगी। साथ में इसका जो दुपट्टा मिला आपको, दुपट्टा भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, दुपट्टे के चारों तरफ ऐसे करके आपको लेस लगी मिल जाएगी। सी गाइस, ऐसे लेस मिलेगी और आपका दुपट्टा ऐसा नहीं है कि बार बार गिरता रहेगा, बहुत ही अच्छा सा मतलब कि दुपट्टा है इसका। और जो इस कुर्ते सेट की मतलब इस कुर्ता दुपट्टा की मैंने जो कॉस्ट पे किया, ऑनली 950 मैंने पे किया है। इसकी ग्रेस काफ़ी अच्छी है, अगर आपकी साइड की वीडियो में देख लेना तो 950 मेरे को अमाउंट कोई इसके लिए ज़्यादा नहीं लग रही, आप लोग ट्राई कर। जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है वो मंगवाया मैंने ये वाला, ये भी आपको एक अनारकली सूट ही मिल जाएगा। आगे से नेक देखो, आपको ऐसे वी वाला नेक मिलेगा जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। स्लीव्स इसकी आपको 3/4 मिलेंगी और स्लीव्स के आगे आपको ऐसे वाला सिल्वर कलर का लेस सा लगा मिल रहा है जो काफ़ी प्यारा लग रहा है। और नीचे घेर इसका भी अच्छा खासा है और घेर के नीचे आपको वैसे ही सिल्वर लेस मिल जाएगी जैसी आपको स्लीव्स पे मिल रही थी। स्टफ़ इसका काफ़ी हैवी सा है और बिस्कॉस रेयन करके इसका स्टफ़ है और बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, नीचे इनर वगैरह कोई नहीं लगी हुई है। और साइज गाइस इसका मैंने एल लिया और मेरे को सही आया है। साथ में आपको इसके बॉटम मिलेगी, बॉटम के आगे पीछे इलास्टिक अच्छी खासी है, क्वालिटी का लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और देखो ऐसे करके लेंथ मिल जाएगी, बिल्कुल बॉटम पे आके इसके आपको ऐसे सिल्वर कलर की फिर से लेस लगी मिल रही है। और इसमें गाइस हम पॉकेट वगैरह चेक कर लेते हैं, पॉकेट वगैरह कोई नहीं है इसके अंदर, लेकिन पहनने में ना बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट है, आपकी बॉडी को बिल्कुल भी ऐसे परेशान नहीं करेगा। दुपट्टा इसके साथ ना समथिंग काइंड ऑफ ऑरेंज नहीं होता जैसे वैसे वाला इसका दुपट्टा है, चारों तरफ आपको लेस लगा मिल जाएगा, दुपट्टे की हाइट विड्थ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और गाइस जो इसकी मैंने कॉस्ट पे किया ओनली 1250 मैंने इसका कॉस्ट पे किया, ट्राई कर सकती हूँ। मैंने नेक्स्ट कुर्ता सेट लिया है वो लिया है ये वाला। ऐसे वाले कलर्स ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सब लोग ऐसा कलर पहनने में पसंद करते हैं तो अच्छा भी लगता है पहना हुआ। ये भी आपको विदाउट स्लीव मिलेगा, ऐसे वाले आपको इसके स्ट्रैप मिल जाएंगे, स्ट्रैप एडजस्टेबल नहीं है लेकिन अगर आपको फिटिंग अच्छे से आएगी तो ये भी अच्छे से फिट हो जाएगा। और पूरे सूट के अंदर आपको छोटा छोटा सा ऐसे प्रिंट मिल रहा है, स्ट्रेट कुर्ता मिलेगा ये और ऐसे जो ये साइडों वाले हमारे ये वाले चाक होते हैं ना, यहाँ पे आपको समोसा लेस लगी मिल जाएगी जो कि गोल्डन कलर की है। इसकी ये पहना हुआ भी काफ़ी सुंदर लग रहा था, मैंने आपको बताया इसका कलर वगैरह पहना हुआ काफ़ी स्मार्ट लगता है। और इसके साथ जो आपको बॉटम मिलेगी वो है प्लाजो, प्लाजो के आगे आपको बेल्ट मिल जाएगा और बैक साइड पर ऐसे इलास्टिक है और इसके भी पॉकेट वगैरह कोई नहीं है। मेरे को ये है गाइस मैं चेक कर लूँ साथ साथ में, ये भूल जाती हूँ बताना मैं आपको। और इसकी देखो आपको पूरा प्लाजो प्लेन मिलेगा, इनर वगैरह इसके ऊपर कोई लगी नहीं हुई है। और इसके साथ आपको जो दुपट्टा मिला है, दुपट्टा देखो दुपट्टे के हाइट विड्थ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चारों तरफ आपको ऐसे वाली गोल्डन कलर की लेस लगी मिल जाएगी और दुपट्टे का मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है गाइस। सी काफ़ी प्यारा सा सूट है, ये भी आप कहीं भी पहन के जा सकते हो। और इसकी जो मैंने कॉस्ट पे किया 1100 इसका मैंने कॉस्ट पे। जो मैंने नेक्स्ट कुर्ता सेट लिया है वो लिया है ब्लैक कलर का, ब्लैक हमारे हॉल में होता ही है, अब तो मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है कि हर बार ब्लैक क्यों होता है। तो देखो ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, ब्लैक बिल्कुल अच्छे वाला ब्लैक है, इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि बेकार सा ब्लैक है, थोड़ा सा डल ब्लैक है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। स्लीव्स इसकी आपको फुल मिलेंगी और स्लीव्स के आगे आपको ऐसे वाला वर्क मिल रहा है जो कि पूरा जरी से किया हुआ है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से किया हुआ है। और
बैक साइड से बिल्कुल प्लेन है, फ्रंट से प्लेन है, आपको सिर्फ अपर पार्ट पे यहाँ तक पे ना, यहाँ तक बता देती हूँ आपको, यहाँ तक आपको इनर लगी मिल रही है, इसके नीचे इनर वगैरह कोई नहीं है। ये जॉर्जेट में बना हुआ है सूट है जो, और इसका गाइज ये ऊपर का इनर पार्ट रखने का एक मतलब कि कोई मतलब रीजन से रखा हुआ है इन्होंने, ताकि थोड़ा सा स्टाइलिश लगे। जब इसके नीचे आप बॉटम पहनोगे ना, हल्का हल्का सा आपका टमी दिखेगा, तो वो बहुत ही सुंदर सा एलिगेंट सा लग रहा है पहना हुआ, आप साइड की वीडियो में देखना। और जो बॉटम आपको मिला है यहाँ पे आगे आपको बेल्ट मिल जाएगा, बैक साइड पे इसके इलास्टिक है, पहना हुआ काफी सुंदर लग रहा था गाइस ये। और इसका बॉटम जो आपको मिल रहा है ये बिल्कुल ऐसा प्लेन प्लेन सा नहीं है, सी गाइस, नीचे इसके आपको ना वैसे ही ये लगा मिल जाएगा जैसे आपको शर्ट के ऊपर लगा हुआ मिल रहा है, तो ये भी काफी प्यारा लग रहा है। इसका मेरे को ऐसे लग रहा है कि आपने ना मतलब इसकी एक साइड पे इनर लगी लग रही है मेरे को बॉटम पे ना, ताकि आपको जो वर्क वगैरह वो ना चुभे ना, तो उसके लिए आपको सिर्फ नीचे वाले पार्ट पे ना ऐसे इनर लगी हुई है, जहाँ पे ये वर्क है वहाँ पे इनर लगा हुआ है, बिल्कुल भी आपको हार्श नहीं करेगा ये। और इसके साथ जो आपको दुपट्टा मिला है, दुपट्टा हाई फिट नहीं बोलूंगी मैं आपको, ऐसे वाला इसका दुपट्टा है, स्टाइलिश सा रखा हुआ है, ताकि आप ऐसे नेक में पहनो, आपको कोई नेकलेस वगैरह साथ में पहनने की जरूरत ना पड़े, तो ये भी काफी प्यारा लगता है। अगर आप लोग ब्लैक पहन लेते हो किसी फंक्शन वगैरह में, तो उसके लिए मेरे को लग रहा है ये काफी आप लोगों पर अच्छा लगेगा पहना हुआ, क्योंकि ब्लैक कलर मेरे को लगता है कि हर पे जच ही जाता है। और जो इसकी मैंने कॉस्ट पे किया है 999 मैंने इसका कॉस्ट पे किया है, मेरे को लगता है आपको ये भी ट्राई करके देखना चाहिए अगर आप लोग ब्लैक। जो मैंने नेक्स्ट कुर्ता सेट लिया है वो लिया है ये वाला। पहले आप इसका ये देखो कि इसकी स्लीव्स है जो आपको विदाउट स्लीव मिलेंगी, ऐसे स्ट्रैप मिल जाएंगे, नॉन एडजस्टेबल है ये। और इसका मतलब कि आप पहले फ्रंट नेक देखो, आपको वी नेक मिल जाएगा, और इसका जो मेन पार्ट है गाइज वो है ये वाला सी, बहुत ही सेक्सी सा इसका बैक नेक मिल जाएगा आपको। अगर आप लोग ऐसे वाले नेक पहन लेते हो तो डेफिनेटली इसको ले सकते हो, बहुत ही प्यारा लगेगा पहना हुआ। मटेरियल भी इसका प्योर कॉटन है, आप कहीं भी पहन के जा सकते हो। और पूरा कुर्ता आपको थोड़ा सा मतलब कि ऐसे अम्ब्रेला काट में मिल जाएगा, जैसे अनारकली होता है ना घेर उतना नहीं है, लेकिन अनारकली इसका मतलब कि वो है पैटर्न है। और इस प्योर कॉटन है, पूरा फ्लोरल मिल जाएगा आपको, नीचे इनर वगैरह कोई नहीं लगी हुई है। ये नेक ना पहना हुआ इतना सेक्सी लगता है, इतना सुंदर लग रहा है, मतलब क्यों क्या ही बताऊँ, आप साइड वाले वीडियो में देखना। मैं बोलूँगी अगर आपको थोड़ा सा इसको ना थोड़ा मतलब टाइट करके करना है, मतलब ज़्यादा बैक ना दिखे, तो आप अपना एक साइज अप के साथ भी जा सकते हो। जैसे मैंने पहना था, मेरे को लगा कि मैं एक साइज और अप जाती तो मेरे को ज़्यादा अच्छा रहता। और इसका जो मैंने ब्रांड लिया है वो है अनूक, आई थिंक अनूक ब्रांड का ही है ये, हाँ अनूक ब्रांड का गाइस। और इसके साथ जो मेरे को बॉटम मिली है ना, बॉटम इसके साथ मेरे को प्लाजो मिला है, प्लाजो देखो इसके आगे आपको ऐसे बेल्ट मिल जाएगा, बैक साइड पे इलास्टिक है, और इसकी भी पॉकेट वगैरह आई थिंक कोई नहीं है। नहीं गाइस, इसके एक साइड पे आपको ऐसे पॉकेट भी मिल जाएगा, पॉकेट भी काफ़ी अच्छी खासी, आपका फ़ोन इसके अंदर रखा जा सकता है। और इसकी देखो लेंथ, आपको ऐसे वाले लेंथ मिल जाएंगी, ये वाले प्रिंट्स मिल जाएंगे, काफ़ी प्यारा सा ये सूट है। और इसकी साथ जो दुपट्टा वगैरह मेरे को कोई नहीं मिला है, दुपट्टे की आई थिंक जरूरत भी नहीं है। अगर आप लोगों को फिर भी लेना, आप बाहर से लेके दुपट्टा वगैरह डाई करा के ले सकते हो। और इसकी जो मैंने कॉस्ट पे किया है, एक सेकंड गाइस मैं चेक कर लेती हूँ, मैं गलत कॉस्ट बता दूंगी, मेरे को लग रहा है मैंने इसकी कॉस्ट जो पे किया है वो किया 1250। और बहुत ही यार स्टाइलिश सूट है, आप लोग इसको मस्ट ट्राई कर सकते हैं। जो मैंने नेक्स्ट कुर्ता सेट लिया है वो लिया है ये वाला, बहुत ही प्यारा सा पार्टी वेयर सूट है ये। नेक के ऊपर वर्क देखो, आपको ऐसे पूरा फिनिशिंग से वी नेक मिल जाएगा, और फिनिशिंग से इसके ऊपर वर्क किया गया हुआ है। इसकी स्लीव्स भी आपको 3/4 मिलेंगी, थोड़ी अम्ब्रेला काट में इसकी स्लीव्स हैं, और स्लीव्स के आगे भी आपको ऐसे सिल्वर कलर का प्रॉपर डिजाइन मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बैक साइड से पूरा कुर्ता ही आपको प्लेन मिलेगा, और सिल्क ब्लेंड इसका मटेरियल है, और पूरा सूट के नीचे इनर वगैरह आई थिंक नहीं लगी हुई। हाँ गाइस, इसके नीचे इनर वगैरह कोई नहीं है, ये पार्टी वगैरह में पहनने के लिए काफ़ी अच्छा खासा सूट है। और इसका भी जो मैंने ब्रांड लिया वो लिया है कालवी, और गाइस इसमें ना एक दो शेड वहाँ पे और भी थे, अगर आप लोगों को ये कलर नहीं लेना है तो आप उनमें से भी कोई शेड ले सकते हो। और साइज़ को लेके भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे जो साइज़ है वो आपको 4XL तक मिल जाएंगे, आप इजीली अपने हिसाब से बाय कर सकते हो। और इसके साथ जो आपका बॉटम है उसके आगे आपको ऐसे बेल्ट मिल जाएगा, बैक साइड पे आपको इलास्टिक मिल रहा है, आई थिंक इसके भी हाँ आपको पॉकेट मिल रही है, पॉकेट बहुत ही अच्छी खासी है, एक साइड पे ही पॉकेट मिलेगी। और पूरा प्लाजो है जो आपको बिल्कुल ऐसा प्लेन नहीं है, एक सेकंड
प्लाजो आपको यहाँ से प्लेन, लेकिन बॉटम पे आके वैसे वाला ही सिल्वर कलर का आपको जरी का वर्क मिल जाएगा, जैसे आपको शर्ट के अंदर मिल रहा था। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। आपकी सारी वीडियो और वीडियो में देखना, अभी जैसे फेस्टिव सीजन आ रहा है, आप फेस्टिव सीजन में किसी भी फेस्टिव में इसको पहन सकते हो, दिवाली पे पहन सकते हो, किसी गेस्ट के घर जा रहे हो तो पहन सकते हो, तो काफी प्यारा लगेगा अगर इसको स्टाइल करके पहनोगे। दुपट्टा इसके साथ आपको ऐसे कंट्रास्ट मिल जाएगा। दुपट्टे के चारों तरफ पर्पल कलर का बॉर्डर लगा हुआ है और उसके ऊपर सिल्वर कलर का वर्क है, जैसे कि आपको पूरे सूट के अंदर मिलेगा। चौड़ाई इसकी ज़्यादा नहीं है, इतनी ही चौड़ाई मिलेगी आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये साइड शोल्डर पे ही आपको पहनना है, तो काफ़ी प्यारा लगेगा पहना हुआ। और इसकी जो मैंने कॉस्ट पे किया गाइस, कॉस्ट इसकी मैंने ज़्यादा पे नहीं किया है, ओनली मैंने इसकी जो कॉस्ट पे किया है 1150 मैंने इसका कॉस्ट पे किया। इस कॉस्ट में मेरे को लगता है ये आपको ट्राई करना चाहिए, बहुत ही प्यारा लगेगा पहनना। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट मैंने लिया है वो लिया है ये वाला। ये आपको यहाँ पे नेक पे इलास्टिक मिलेगी और यहाँ पे आगे आपको एक अलग से बेल्ट जैसा मिल रहा है, और घेर इसका भी काफ़ी अच्छा खास है और प्रिंट्स भी काफ़ी सुंदर है, कलर तो है ही अच्छा। और विदाउट आपको स्लीव मिलेगा, इसके आपको ऐसे स्ट्रैप मिल जाएंगे और ना स्ट्रैप इसके एडजस्टेबल हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। गाइस इसकी फिटिंग भी मेरे को अच्छे से नहीं आई है, बिकॉज मैंने इसका जो साइज मंगवाया था वो एल मंगवाया था, लेकिन मेरे को उसने उससे भी बड़ा भेज दिया, मेरे को इसका एक्सल साइज भेज दिया। आप इसका मेरे हिसाब से एक्सल साइज में ही जा सकते हो, आपको कोई और साइज अपने से बड़ा लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके नीचे इनर वगैरह नहीं लगी हुई है, पहला हुआ ये भी स्मार्ट लगेगा क्योंकि कलर वगैरह काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ जो आपको बॉटम मिलेगी, बॉटम के आगे पीछे आपको इलास्टिक मिल रही है, इलास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इसके अंदर पॉकेट वगैरह मैं चेक कर लेती हूँ, पॉकेट वगैरह कोई नहीं है, स्टफ अच्छा खासा इसका स्टफ है। पूरा प्लाजो आपको ऐसे प्लेन मिलेगा, सी गाइस ऐसे प्लेन मिल जाएगा, बिल्कुल नीचे आके आपको जैसे आपकी शर्ट थी वैसे वाले प्रिंट्स मिल जाएंगे जो कि बॉटम पे इन्होंने लगाए हुए हैं। और इसके साथ आपको दुपट्टा मिल रहा है, दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा खासा है, प्रिंटेड दुपट्टा मिल जाएगा आपको, दो साइड पे लेस लगी हुई है समोसे वाली और पूरे दुपट्टे पे प्रिंट्स है और प्योर कॉटन इसका मटेरियल है। और जो मैंने इसकी भी कॉस्ट पे किया है 1195 मैंने इसका कॉस्ट पे किया है। मेरे को लगता है ना आज के कुर्ता सेट में कोई भी कुर्ता सेट 1200 से ज़्यादा नहीं है, सारे हमारे उसके अंदर अंदर ही हैं और काफ़ी प्यारे भी हैं, आप लोग बिना सोचे ले सकते। जो मैंने नेक्स्ट कुर्ता सेट लिया है वो लिया है ये वाला, थोड़े इसके बांधनी वाले प्रिंट्स मिल जाएंगे, नेक पे आपको ऐसे वाला वर्क मिल जाएगा जो कि अच्छा खासा फिनिशिंग से है, और नेक का आपको ऐसे हल्का हल्का सा डिज़ाइन मिल जाएगा जो कि स्मार्ट लगता है फिर पहना हुआ। और इस बार बाई चांस मेरे पास ना बहुत सारे एक ही ब्रांड के कपड़े आ गए हैं, ये कालनी ब्रांड का मैंने मंगवाया है, शायद वही अच्छे लग रहे थे ज़्यादातर, अच्छा भी है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे हैं और ऐसा भी नहीं है कि आपको बेकार सा मटेरियल मिल रहा है, अच्छा खासा कॉटन मटेरियल है। तो इस कॉस्ट में अगर हमें कॉटन मिल रही है तो हम लोग क्यों अवॉइड करेंगे, है ना। और इसकी जो स्लीव्स हैं ऐसे आपको 3-4 स्लीव्स भी मिलेंगी और आगे आपको ऐसे हल्का हल्का सा वर्क मिल रहा है जो कि सुंदर लग रहा है, पूरा ही आपको ये अच्छा खासा मतलब घेर वाला सूट मिल जाएगा, सी गाइस इतना अच्छा घेर है। और इसके ना आपको साइडों पे ऐसे वाले चाक मिलेंगे और सी ऐसे वाले, और इसका ये आपको जो चाक मिल रहे हैं ना जो स्लिप बोलते हैं जिसको, इसको देखो ऐसे वाला आपको डिज़ाइन मिल जाएगा पहना हुआ, ये भी काफ़ी अच्छा खासा लग रहा है। इसका जो साइज मैंने लिया है वो लिया है एम, और इसके साथ जो मेरे को बॉटम मिला है बॉटम भी काफ़ी अच्छी सी है, कॉटन है तो कॉटन तो वैसे ही अच्छी लगती है गर्मियों में पहनने में। इसके आगे पीछे आपको ऐसे इलास्टिक मिल जाएगी और इसकी पॉकेट वगैरह मैं चेक कर लेती हूँ, आई थिंक इसमें कोई पॉकेट वगैरह नहीं है, पूरे प्लाजो के अंदर आपको ऐसे ही प्रिंट्स मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे खासी क्वालिटी है इसकी। और इसके साथ जो आपको दुपट्टा मिलेगा, दुपट्टे पे भी आपको पूरे पे ऐसे प्रिंट्स मिल रहे हैं और दुपट्टा भी आपको कॉटन का मिल रहा है, सी कलर भी काफ़ी अच्छा सा है, ऐसे डल सा कलर नहीं है और पूरा बांधने वाले प्रिंट्स इसके दुपट्टे मिल जाएंगे, हाइट विड्थ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, काफ़ी प्यारा सा ये सूट लग रहा है। और इसकी भी जो मैंने कॉस्ट पे किया है 1200 मैंने इसका कॉस्ट पे किया है, कॉटन है तो अच्छा खासा है, ट्राई कर सकते हैं। जो मैं नेक्स्ट सूट लिया है ना, ये मैंने लिया है थोड़ा मस्टर्ड कलर का, ये भी काफ़ी प्यारा सूट है, नेक पे देखो आपको ऐसे वाला वर्क मिल जाएगा और स्लीव्स इसकी ऑलमोस्ट आपको 3/4 ही है, मतलब कि स्लीव्स के ऊपर डिपेंड करता है, किसी किसी को ये पूरी भी आ सकती हैं। और इसके आगे भी ऐसे ये आपको ना वर्क नहीं है, मेरे को लग रहा है अलग से ना जैसे लेस वगैरह लगी होती है ना, लेस वगैरह इन्होंने लगाई हुई है। और बीच में ना पूरा आपको सेल्फ वाला जैसे एक सिल्वर कलर का शाइन शाइन सा बीच में गोटा पट्टी नहीं होता वैसे वाला इसके अंदर डिज़ाइन मिल रहा है। गाइज इसकी मैं आपको बोलूँगी ना, इसका मैंने जो साइज़ लिया था वो एम लिया था, मेरे को ये टाइट रहेगा इसलिए मैं पहन के नहीं दिखा पाई। तो सूट अच्छा था, मेरे को ये था कि मैं वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँ कि ये कैसा है।
और इसके साथ पूरा आपको ऐसे घेर मिल जाएगा। ऐसे घेर मिलेगा तो आपको अगर समझ आ रहा है, जैसे मतलब पिक में दिखाया हुआ ना सूट बिल्कुल सेम टू सेम ही आया है, ऐसे मत सोच रहा कि डिफरेंट आया, बस मेरे को साइज नहीं आया तो नहीं पहन के दिखा पाई। सी गाइस, और इसके नीचे इनर वगैरह कोई नहीं लगी हुई है, सूट काफी अच्छा है। और इसके साथ जो आपको बॉटम मिली है, बॉटम के आगे पीछे इसके आपको ऐसे इलास्टिक मिल जाएगी, और पूरा आपको बॉटम है, इसके अंदर भी सिल्वर वाली वही जैसे थी ना, मैंने आपको बताया धागा सा बीच में सिल्वर कलर का शाइनी शाइनी वो वाला धागा शाइन कर रहा है। इसको भी इसके साथ भी आप कोई छोटा मोटा फंक्शन अटेंड कर सकते हो, काफी प्यारा लगता है, पार्टी वेयर सा सूट है। और जो इसकी जो मैंने कॉस्ट पे किया 1140 इसकी कॉस्ट पे की है, मटेरियल इसका कॉटन है और दुपट्टा इसके साथ मेरे को कोई मिला नहीं है। पिक जैसा बिल्कुल सेम टू सेम आया है, साइज अपने से एक अप जाना तो आपको ये बिल्कुल फिट आएगा और सुंदर भी बहुत लगने वाला है। गाइस अगर आपको मेरा मिंत्रा का ये वाला हॉल पसंद आया तो मैं आगे भी आपके लिए और ऐसे हॉल शेड्यूल करूंगी। मेरा मेनली कुर्ते सेट लेके आने का ये रीजन था कि आपको सेम ही प्राइस पे, मेरे को लग रहा है कि हमें उससे कम प्राइस, जैसे हम और ब्रांड के करते हैं, मीशो करते हैं या कोई अदर ब्रांड भी करते हैं, तो मतलब उसी कॉस्ट में हमें इतना अच्छा अच्छा मटेरियल मिल रहा है और इसी कॉस्ट में मिल रहा है, तो हम लोग क्यों ना ट्राई करें एक बार। ट्राई करने में मेरे को लगता है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप पसंद करते हो या नहीं करते, आपके रिव्यू पे ही सब कुछ टिका हुआ है। अगर आप लोगों ने ये पसंद किया मैं नेक्स्ट और हॉल लेके आऊंगी और ब्रांड भी ट्राई करूंगी। बाकी यहाँ पे वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, आप लोग देखते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।